أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم मैं तूबा बतूल आई एम स्टार्टिंग अ लेक्चर वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर वीडियो टू हेल्प दोज स्टूडेंट हु कैन नॉट डू सेल्फ स्टडी सो इट इज़ माई लिटिल एफर्ट टू हेल्प दैम सो लेट्स बिगन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द फ्रंट लुक ऑफ दिस बुक दिस इज अ बुक of forensic chemistry. I couldn't get this in the PDF form, so I couldn't forward this to so many students. So I decided to read it by online. So it is a forensic chemistry, the new chemistry by David E. Newton. I will try my best to do this in a fun way, so guys, you guys don't get bored. यहाँ पे लिखा हुआ है this book is printed on acid free paper. Seriously, यानी जो हम paper लेते हैं उन पर print कटवाते हैं तो वो acid base होते हैं. अच्छा, कंटेंट्स की बात करते हैं. कंटेंट्स में आता है द ओरिजिन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज़ द फिंगर प्रिंटिंग टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग टेस्टिंग उसके बाद आर्सन एंड एक्सप्लोजिव इन्वेस्टिगेशन देन सिक्स वन इज़ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड लास्ट वन इज़ कंक्लूजन. इसके बाद हम प्रीफेस में आते हैं. प्रीफेस बेसिकली द इब्तदाई कलमात होते हैं जो कि हम किसी कोई भी बुक जब पब्लिश करते हैं तो उसके कुछ उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम बताते हैं उसकी इब्तदाई कलमात के किस लिए हमने वो बुक शाया करवाई पब्लिश क्यों करवाई. अच्छा, उन्होंने यहाँ इसमें यही कुछ लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प किया स्कूल्स में मिडल स्कूल्स में और टीचर्स के लिए भी कुछ क्लासिक केमिस्ट्रीज को उसने कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने उसको एक न्यू केमिस्ट्री में डिवेलप किया और जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है. आई डोंट नो वाई द स्टूडेंट कॉल्ड केमिस्ट्री सो बोरिंग. इट्स सो अमेजिंग एंड मैजिकल. जस्ट यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन इट. यस, सो मेरे स्टूडेंट्स नॉट प्लानिंग टू कंटिन्यू देयर स्टडीज इन द एरियाज ऑफ केमिस्ट्री विद इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन देयर डेली लाइव्स और ऑफ जनरल इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट. यस, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि वो अपना करियर जो है अपनी स्टडीज़ केमिस्ट्री में शुरू करें. तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जस्ट ट्राई टू टेक अ वो कहते हैं ना समंदर में गोता लगाना, जस्ट टेक दैट स्विम जो भी है डाइव टेक दैट डाइव टू टेस्ट केमिस्ट्री. They usually provide only a limited introduction into the research and the exciting factor of the research currently being concluded in the field of chemistry. अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये जो new chemistry है इसमें उन्होंने 6 books का set बनाया हुआ है जो कि कुछ research areas को का एक overview है. ठीक है, एक high school का chemistry curriculum बना दिया उन्होंने. उन्होंने 6 books develop करवाए और हर एक ना different field से related हैं, यानी कि उनमें से हैं केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, केमिस्ट्री ऑफ न्यू मटेरियल्स, फोरेंसिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फूड केमिस्ट्री एंड द केमिस्ट्री ऑफ स्पेस. दीज वर द बेसिकली 6 फील्ड्स और 6 बुक्स ऑफ द न्यू केमिस्ट्री. ठीक है, यही कुछ यहाँ पे बताया हुआ है कि फंडामेंटल ये टॉपिक जो है ये तकरीबन सारी की सारी केमिस्ट्री को सारी की सारी केमिस्ट्री को कवर करते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है द न्यू केमिस्ट्री हैज बीन सिलेक्टेड टू एम्फसाइज द एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ द रीसेंट रिसर्च. ठीक,
ये सारी उन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री पढ़ना स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इट्स आवर ड्यूटी टू स्टडी केमिस्ट्री बिकॉज यू कैन सी दैट एवरीथिंग लाइक जैसे कि हमारी बॉडी देख लें, इंसानी जिस्म देख लें, उसमें सब चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एटीपी, जो भी डीएनए है, इट्स बेसिकली इज़ केमिस्ट्री. उसमें सब उसमें एटम्स हैं, एटम्स जहाँ भी हैं वो केमिस्ट्री है. तो हमारी स्पेस में देख लें, पूरी की पूरी कायनात भरी पड़ी है केमिस्ट्री से. हमारे इर्द गिर्द जितने भी मटीरियल हैं, हम सोप यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, टूथ पेस्ट यूज़ करते हैं, एवरीथिंग कंटेन्स केमिस्ट्री. ओके, इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बस यही इंट्रोडक्शन दिया हुआ थोड़ा बहुत. हम नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा, ये आ गया अब इंट्रोडक्शन के, इस बुक का इंट्रोडक्शन. ठीक है, वो तो केमिस्ट्री का था ना, अब ये बुक का है कि बुक हमने देख लें आप कि हमने टाइटल से देखा कि वो फोरेंसिक केमिस्ट्री है. ठीक है, तो फोरेंसिक केमिस्ट्री, जैसे ही वर्ड फोरेंसिक आता है तो ये हमें एक्साइट कर देता है. फोरेंसिक जैसे लैब्स आ गई जिसमें क्राइम सीन सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक CID, जैसे कि हम बचपन में CID देखते थे, उसको बहुत मज़े से हम CID सब लोगों ने देखा हुआ है, जिसमें दया, अभिजीत, फ्रेडरिक और भी काफ़ी उसमें करेक्टर आते थे और मज़े मज़े की स्टोरीज हमें मिलती थी देखने में. सो वीवर्स, इसमें वो कहते हैं कि हाँ, बेसिकली वो लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये फोरेंसिक केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, ताकि क्रिमिनल्स जो हैं वो जल्दी जल्द से जल्द उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके और हम उनको सज़ा दे सकें और वो बच ना जाएं. इस तरह हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए फोरेंसिक केमिस्ट्री यूज़ करते हैं. वीवर्स सीम टू बी कैप्टिवेटेड बाय द क्राइम सॉल्विंग टूल्स दैट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैव एट देयर डिस्पोजल एंड द स्किल्स विद विच दे यूज दोस. अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी ये फोरेंसिक केमिस्ट्री की टेक्निक्स है ना, ये किसी कोई साइंसदान नहीं था, कोई केमिस्ट नहीं था और कोई फोरेंसिक साइंटिस्ट नहीं थे. वो बेसिकली क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले क्या कहते हैं, कॉप्स थे. दोज वर पीपल जो कि लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे. वो कुछ पुलिस में थे, कुछ वहाँ के मैजिस्ट्रेट थे, तो यानी सोसाइटी के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो थे, और कुछ तो नावल निगार भी थे जिन्होंने फिक्शनल और इमेजिनेटिव करेक्टर को, यानी कि उनके जैसे CID बनाया, जैसे इमेजिनेटिव करेक्टर उन्होंने एक ऐसा क्रिएट किया कि जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ता था और क्रिमिनल्स और वो भी डिफरेंट डिफरेंट सच इमेजिनरी और एक्साइटिंग वेज के साथ वो क्रिमिनल्स को पकड़ता था. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें जो सबसे पहला नाम आता है सर कैनन डॉयल. सर कैनन डॉयल ऑथर, एक ऑथर था बुक का. अच्छा, एक और यहाँ पे बुक बताई हुई उन्होंने जो कि द मर्डर इन द रॉय मॉर्ग इन 1841 रिटन बाय एडगर एलन पॉय. रिकॉर्ड था विल्की कॉलिंस द वुमेन इन वाइट. ये दो बुक्स थी जिन्होंने, ये टेल्स हैं, सच टेल्स हैव बीन बेस्ट सेलर ऑन द वर्ल्ड क्योंकि इसमें क्राइम सीन्स को सॉल्व किया हुआ था. अच्छा, हाँ, नो क्रिमिनल कैन होप टू एस्केप फ्रॉम क्राइम्स विदाउट लीविंग बिहाइंड एट लीस्ट सम एविडेंस. कहते हैं सिंगल आईलैश मे बी ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर हिज और हर आइडेंटिफिकेशन. One of the most important contributors to the forensic scientist investigative arsenal has been the science of chemistry. Researchers have developed a lot of new procedures for analyzing blood, fingerprinting, DNA samples, documents, ammunition. दरअसल ये गोला बारूद को कहते हैं, medicines and ड्रग्स, सॉइल, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोबियन के, ये सारे ऐसे तरीके हैं जो कि फोरेंसिक केमिस्ट्री में उन्होंने न्यू डेवलप करवाए. फायर रेमिनेंट्स, राख वगैरह, आग के बाकियात एंड द इवन द वाइट प्रिंट्स. वाइट प्रिंट्स से
हमें याद आता है कि मैंने एक मूवी देखी थी द कंजरिंग. सो इसके भी दो पार्ट हैं. उसमें एक हॉरर मूवी है जिसमें वो घूस्ट वो भी भूत उनके होते हैं जो चुड़ैल वगैरह उनको पकड़ने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो कि उनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी को उनकी पिच को डिटेक्ट करता है. तो उनको समझ आ जाता है कि बहुत ही माइन्यूट फ्रीक्वेंसी की भी साउंड अगर आए ना तो उनको पता चल जाता था कि कौन कहीं से गुजरा है या कहीं किसी रूम में कोई एक्टिविटी हो रही है. द पर्पज ऑफ फ्रेंसिक केमिस्ट्री इज टू प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड. ठीक है. अच्छा, हमने सिर्फ इस वीडियो में चैप्टर वन को डिस्कस करना है. चैप्टर वन ऑफ द बुक प्रोवाइड्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंसिक केमिस्ट्री. ओके, डिस्क्राइब सम ऑफ द टेक्निक दैट वर यूज बाई इन्वेस्टिगेशन इवन बिफोर एन ऑथेंटिक साइंस ऑफ क्रिमिनलिस्टिक एग्जिस्टिंग. यानी कि क्रिमिनलिस्टिक्स बेसिकली उन लोगों को कहते हैं जो कि फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं और जो क्रिमिनल क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं. ठीक है. अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रोज ऑफ द पीरियड वाज द डेवलपमेंट ऑफ द मार्श गैस. मार्श गैस का सबको पता होगा, मीथेन गैस जब निकली थी तो उसी से निकला हुआ है ये मार्श. फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक इज एन एलिमेंट, एक केमिस्ट्री का एक एलिमेंट है जो कि टॉक्सिक है, पॉइजनस है. पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो इसको एज अ पॉइजन यूज़ करते थे. प्रोबेबली द फर्स्ट रिलायबल एंड वैलिड टेस्ट फॉर अ टॉक्सिक मटेरियल अवेलेबल टू द फोरेंसिक साइंटिस्ट. ठीक है. अब हम चैप्टर वन में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. कुछ हिस्ट्री होगी कुछ साइंटिस्ट की, उनके डिवेलप किए हुए कुछ टूल्स और कुछ ट्रिक्स होंगी. ठीक है, हम वो देखेंगे. चलो हम चैप्टर वन की तरफ चलते हैं. द ओरिजिन्स ऑफ फोरेंसिक साइंस. आई फाउंड इट ही शाउटेड टू माई कंपेनियन रनिंग टूवर्ड्स अस विद अ टेस्ट ट्यूब इन हिज हैंड. आई हैव फाउंड अ रिएजेंट विच इज प्रेसिपिटेटेड बाई हीमोग्लोबिन एंड बाई नथिंग एल्स. सो ऐसी होती है साइंटिस्ट की एक्साइटमेंट जब वो कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं. अल्लाह मुझे भी एक साइंटिस्ट बनाए, आमीन. These words were spoken by one of the most famous fictional detectives in the history of literature. तो ये एक हिस्ट्री की लिटरेचर बुक की एक लाइन कुछ लाइन्स हैं. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ऑथर कैनन डॉयल की फर्स्ट बुक उसने लिखी जिसमें उसने अपना एक फिक्शनल करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको उसने शर्लक होम्स का नाम दिया. शर्लक होम्स एंड हिज कंपेनियन डॉक्टर वॉटसन अ स्टडी इन स्कॉटलैंड. इनके स्कॉटलैंड भी डिटेक्टिव्स के मीनिंग में ही आता है, ये एक बुक का नेम है. द ग्रेट डिटेक्टिव गोज ऑन टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज डिस्कवरीज. व्हाई मैन, इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल मेडियोलॉजिकल डिस्कवरी फॉर इयर्स. डोंट यू सी दैट इट गिव्स अस एन इनफॉलेबल टेस्ट फॉर ब्लड स्टेन्स. ब्लड स्टेन्स अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या ना भी देखा होगा, टीवी पे तो देखा होगा, जब कोई क्रिमिनल मर्डर करता है तो खून के धब्बे या तो ज़मीन पे रह जाते हैं और वो सूख जाते हैं या फिर कपड़ों पे लग जाते हैं और सूख जाते हैं. तो अब हम उन सूखे हुए ब्लड स्टेन्स को कैसे लैब्स में लेके जाएं टू आइडेंटिफिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन. तो उन्होंने एक टेस्ट बनाया. ब्यूटिफुल. द ओल्ड ग्विकम टेस्ट वॉज वेरी क्लमजी एंड अनसर्टेन. ग्विकम टेस्ट पुराना क्लासिकल वे था डिटेक्ट करने का, तो उन्होंने कहा वो बहुत अनसर्टेन था, एक्यूरेट इतना नहीं था. सो इज़ द माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन फॉर ब्लड कॉर्पसल्स. नाउ दिस अपीयर्स टू एक्ट एज वेल वेदर द ब्लड इज़ ओल्ड और न्यू. ठीक है. अच्छा, उन्हें वो कहते हैं हैड दिस टेस्ट बीन इन्वेंटेड. ठीक है, जो कि चूँकि ये टेस्ट अब एक न्यू टेस्ट डिवेलप हो चुका था तो उन्होंने कहा कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ मैन Now walking the earth who would long ago have paid the penalty of their crimes. क्योंकि ऐसे मुजरिम भी ऐसे क्रिमिनल्स भी दुनिया में आवारा घूम रहे हैं जिन्होंने बहुत से क्राइम्स किए हैं लेकिन उनको उनकी सज़ा नहीं मिली. अच्छा, डिवाइसिंग टेस्ट फॉर ब्लड वॉज ओनली वन ऑफ द होम्स मैनी स्किल्स इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस. तो ये बुक एक फोरेंसिक साइंस के रिलेटेड थी. ओके, लेटर इन द सेम बुक ही एडवाइजेस स्कॉटलैंड इन इट्स सर्च फॉर अ क्रिमिनल हू ही प्रेडिक्ट.
Later in the same book, he advises Scotland Yard in his search for a criminal who he predicts will be found to smoke a specific type of cigar. Wow, ice cream wala beach. Achha. तो जो ऑथर कैनन डॉयल की बुक थी जिस होम्स का करेक्टर था, होम्स बेसिकली उसमें एक करेक्टर था जिसने वो कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई और अपने अपने क्राइम सीन्स को सॉल्व करने के लिए, अपने क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए. तो ही प्रिडिक्ट्स विल बी फाउंड टू स्मोक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिगार, यानी कि उसकी एक कहानी थी जिसमें जो भी क्रिमिनल था वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सिगार पीता होगा, स्मोक करता होगा, तो उसकी बेस पे उसने उसे कैप्चर कर लिया. ही हैड प्रीवियसली मेड मॉडर्न स्टडी ऑफ सिगार, उसने सिगार की सारी हिस्ट्री छान मारी. ही कुड रिकॉग्नाइज मोर देन 100 स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ ऐश, उसकी जो ऐश होती है उसको उसने एनालाइज किया. और बहुत सी एनालिटिकल स्किल्स गिवन टू हॉर्न्स बाय कैनन डॉयल वर एक्सटेंसिव एंड इम्प्रेसिव. उसने तो बेसिकली एक नॉवल लिखा था, उसकी इमेजिनेशंस थी और इमेजिनेशंस क्या कमाल का काम कर गई कि वो आज भी हमारी फोरेंसिक साइंस का हिस्सा बनी हुई हैं. रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री अवार्डेड होम्स एंड ऑनरेरी फेलोशिप द फर्स्ट एंड ओनली. अच्छा ये तो ऐसे ही है, जिसने पढ़ना है तो वो पढ़ ले. अच्छा अर्ली ईयर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस में क्या हुआ, ऑथर कैनन डॉयल रोट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड दैट वाज दैट वन हिस्टोरियन हैज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ द डिटेक्टिव्स. सेंचुरी ऑफ द डिटेक्टिव, द ऑथर कैनन डॉयल को फिर उसकी उसकी उसके काम पर उसको एजाजात दिए गए. दैट टर्म रेफर्स टू द टर्म क्रिमिनलिस्ट्स फर्स्ट बिगन टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द सॉल्यूशन. शर्लॉक होम्स फिक्शनल फॉरेज इनटू द क्राइम एनालिसिस कोइंसाइडेड विद द पीरियड ड्यूरिंग द रियल. ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, बस वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे रूल्स एंड लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल्स, एंथ्रोपोमेट्रिक करेक्टरिस्टिक. एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब होता है इंसानी, यानी कि इंसानी खसूसियत वाले चीज़ें मुतारिफ एंड अदर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेट्स टू एग्जोनरेट द इनोसेंट एंड कन्विक्ट गिल्टी इन द मर्डर्स. जो मासूम मुजरिम थे उनको छुड़वाने के लिए, और जो जिन और कुछ ऐसे मुजरिम थे जो कि आज़ादाना घूम रहे थे लेकिन वो बेसिकली थे कातिल, मर्डर्स थे. ठीक है, उन्होंने अजॉर्ट्स की, बर्गलरीज की, चोरियां की, आर्सन्स एंड अदर क्राइम, यानी कि ये सारे क्राइम से मुतलिक चीज़ें हैं जो कि इन कुछ को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई. द यूज़ ऑफ सच एविडेंस इन क्राइम एनालिसिस डेट्स मच अर्लियर. अच्छा ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें. हाँ एक और चीज़ के यहाँ पे ये चाइनीज़ नेम जुआन लू, पता नहीं एक प्रिंसेस थी शायद या फिर एक बुक थी जिसका नाम ये था द वॉशिंग अवे ऑफ द लॉन्स. ठीक है, जिसमें अच्छा ओके फिर हमने हाँ यहाँ पे थे हम जुआन लू, एक चाइनीज बुक का टाइटल है. एक कहानी थी जिसमें उन्होंने एक मेथड डेवलप किया कि उसने एक पर्सन की डेथ थी जिसको उन्होंने फ्रेम किया कि वो गला दबाने से नहीं, उन्होंने फ्रेम किया कि वो डूबने से मरा लेकिन असल में वो गला डुबाने से, यानी कि उसको कत्ल किया गया था. तो ये जो युआन लू था पेस्ट टू बी द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन विच अ साइंटिफिक प्रिंसिपल इज यूज्ड टू सॉल्व अ क्राइम विद अ फ्यू नोटेबल एक्सेप्शन द नेक्स्ट सेवन सेंचुरी. ये सारी उसकी हिस्ट्री है. अच्छा ऑन सच एक्सेप्शन resulted from the work of the famous Belgian chemist Jean Servius Stas, 1830-91. Stas is best known in the history of chemistry.
फॉर हिज वर्क इन द डिटर्मिनिंग द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एनिमल. ठीक है, द स्टैट्स अच्छा तो हम थे ये बेल्जियन केमिस्ट जीन सर्विया स्टार्स के पास. स्टार जो है बेल्जियन केमिस्ट था और इसने एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, डिटरमिन किए थे. लेस वेलन इन द रिसर्च और हिज रिसर्च ऑन मेथड फॉर डिटेक्टिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स पॉइजन इन द बॉडी. अच्छा, डेट वर्क was inspired in 1851 by a notorious case in which Count Hippolyte de Buckram, पता नहीं कैसे प्रनाउंस करते हैं इसको, तो काउंट जो है ये वो गिनने वाला काउंट नहीं है, ये कोई एक हाँ काउंट वुमेन, ठीक है, ये कोई जी, तो ये जो काउंट है किसी और चीज़ को डिनोट करता है. अच्छा आगे चलते हैं. हैड बिकम सस्पेक्ट इन द मर्डर ऑफ द काउंटेस ब्रदर गुस्ताव फोगनीज, पता नहीं कैसे प्रनाउंस करेंगे इसको, आप देख लीजिए. द प्रिजाइडिंग मैजिस्ट्रेट इन द केस था गुस्ताव, अ मैन बाय द नेम ऑफ हॉगवर्ट, ऑर्डर द ऑर्गन्स फ्रॉम गुस्ताव्स डेड बॉडी बी टेकन फ्रॉम द एग्जामिनेशन बाय स्टार. तो बेचारा ये गुस्ताव जो था ये बेचारा इसको कत्ल किया गया था, तो जो साइंटिस्ट था स्टार्स उसने इसकी बॉडी के ऑर्गन्स को, जैसे हम करते हैं बॉडी को चीर फाड़ करके उसका जी, जैसे हम पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो इसी तरह स्टार्स ने गुस्ताव की बॉडी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया और देखा कि वो किस चीज़ से मरा था. देन अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स एंड द लीडिंग केमिस्ट इन द कंट्री अपन एग्जामिनिंग दोज ऑर्गन्स बिकेम कन्विंस्ड दैट द यंग मैन हैड बीन पॉइजन्ड बाय अ नेचुरल प्रोडक्ट प्रोबेबली निकोटीन. और निकोटीन उसको दी गई थी जिसकी वजह से वो मर गया. ठीक है, अच्छा निकोटीन ये एक ड्रग है, हैड फर्स्ट बीन डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द टोबैको प्लांट निकोटियाना टबैकम इन 1828. इस पॉइजनस इफेक्ट्स हैड बीन केयरफुली स्टडीड बट नो मेथड हैड बीन फाउंड फॉर डिटेक्टिंग इट्स प्रेजेंस इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, इसके पॉइज इसके जहरीले असरात तो पता था लेकिन ये मालूम करना मुश्किल था कि ये बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है. But no method had been found. So meanwhile, its reputation as a highly poisonous material had become widespread, and it was thought to have been responsible for a number of unsolved murders. यानी बहुत से ऐसे कत्ल हुए जो कि unsolved थे. किस बेस पे? क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता था कि उनको poison कौन किस किस्म की poison दी हुई है. ठीक है, डिटेक्ट करने का सही मेथड नहीं था उनके पास, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम चलता गया उनके पास वो मेथड्स भी इंट्रोड्यूस हो गए. इन कैरिंग आउट हिज एनालिसिस ऑफ गुस्ताव ऑर्गन्स स्टार्स वाज एबल टू डिवाइस अ मेथड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ निकोटीन इन द बॉडी. ही बेस्ड हिज मेथड ऑन द फैक्ट दैट निकोटीन लाइक अदर अल्कालॉइड्स. अल्कालॉइड्स क्या होते हैं? अच्छा, केमिकल्स ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स, प्लांट से हासिल किए, क्योंकि निकोटीन भी एक प्लांट से ही हासिल किए हुए. और लेकिन उन्होंने कहा लाइक अदर अल्कोलॉइड्स इज सोलेबल इन द बोथ अल्कोहल और वाटर, वाटर अल्कोहल दोनों में ये सोलेबल थी. ही फर्स्ट मैसुरेटेड द ऑर्गन्स. मैसुरेटेड मीन जैसे हम मैरिनेट करते हैं चिकन को जब हम कुकिंग करते हैं, वैसे ही मैसुरेट या इसको हम कहते हैं स्मैश करना. उसने स्मैश किया ऑर्गन्स अंटिल दे वर रिड्यूस टू अ पल्प, एक जूस बन गया उनका, टू विच ही देन एडिड अ वीक एसिड एंड अल्कोहल. फिर उसने उसमें वीक एसिड अल्कोहल डाला. ही देन हीटेड द मिक्सर अंटिल द ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गन्स वर प्रेसिपिटेटेड आउट. तो जो उसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो प्रेसिपिटेट हो गए और पीछे बच गया सोल्यूशन containing alkaloids that might also be present. Also, when he added water to the residue of this process, उसने क्या किया कि precipitate को अलहदा कर दिया और जो residue बाकी बच गया उसमें उसने
उसने अल्कोलॉइड्स को डिसॉल्व करवाया, फाइनली ही रिकवर्ड द अल्कोलॉइड्स निकोटीन इन दिस केस, फिर उसने निकोटीन उसको मिल गई बाय अलाउइंग द वाटर टू इवेपोरेट, उसने इवेपोरेशन करवाई वाटर की और उसको फिर निकोटीन एंड पे मिल गई। By examining the product of these series of reactions, Strauss was able to identify the presence of nicotine in Gustav's body organs, and Hogwarts was able to arrest and convict the Bochrams of Gustav's murder. पता नहीं ये बेल्जियम है, पता नहीं कौन सी वर्डिंग है, कौन सा किस जुबान का वर्ड है, यानी कि जो भी उसका मुजरिम था, कन्विक्ट था गुस्ताव के कत्ल का, हॉगवर्ड ने उसको अरेस्ट कर लिया। द मेथड डिवेलप्ड बाय स्ट्रास वाज लेटर मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड बाय जर्मन साइंस केमिस्ट फ्रेडरिक जूलियस। एक तो फ्रेडरिक वहाँ पे भी आता था सीआईडी में। जूलियस ऑटो जो कि 1809 से 1870 तक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रांसविक में था। द टेस्ट इज स्टिल नोन एज स्टार्स ऑटो टेस्ट, क्योंकि स्टार्स पहले डिस्कवर स्टार्स ने किया, फिर ऑटो ने उसको मॉडिफाई किया, इसलिए स्टार्स ऑटो टेस्ट इसको नाम दे दिया गया। एंड इज यूज ओकेजनली टूडे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स इन द बॉडी। अच्छा, अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसी पॉइजन चली गई है जो कि फूड बेस है, यानी कि हमारी खुराक के ज़रिए हमें दी गई है, तो हम उसके इस टेस्ट के ज़रिए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इट हैज़ हाउएवर बीन रिप्लेस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाई फास्टर एंड मोर एफिशेंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट। अच्छा, अब मज़ीद तरक्की हुई तो फिर ये टेस्ट और मॉडिफाई हुआ और इसको फिर ज़्यादा एफिशिएंट जो एक टेस्ट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट, जो कि लेटेस्ट टेक्निक है, इसको यूज़ किया। अच्छा सर, ऑथर कैनन डॉयल ये साइंटिस्ट की, अब उन्होंने डिटेल में हिस्ट्री देनी है। मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। अच्छा, इसमें मैंने दो तीन नाउ यू सी मी का बताया क्या? नाउ यू सी मी एक मूवी है, उसमें मैजिशियन है, तो काफ़ी एक्साइटिंग मूवी है। मेरे ख्याल में आप लोगों को देखनी चाहिए वो, नाउ यू सी मी वन एंड नाउ यू सी मी टू। और एक और मैंने मूवी का जिक्र किया, हॉरर मूवी द कंजरिंग, अगर आप बोर हो रहे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ जी, मैं तो भूल ही गई, आज तो 23 मार्च है, योम पाकिस्तान है, आप सबको योम पाकिस्तान मुबारक हो। हमारे जो हमारे शहदा थे, अल्लाह ताला उनकी रूहों को, जी जो शहदा हैं उनकी रूहों को अल्लाह पाक सुकून अता फरमाए। एक शहदा शहीद होने का मुकाम भी इतना अजीम है कि बयां ही नहीं किया जा सकता। आज 23 मार्च है, तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करेंगे एक एंथम, एक सॉन्ग के ज़रिए। धड़कन धड़कन सब्ज़ ये दिल।
ठीक है जनाब, वाह ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, रिलैक्स करें और अपनी लाइफ एंजॉय करें, अल्लाह हाफिज़।